गुंडा बना इन्फ्लुएंसर। मैं वारिफ अजीज, आप लोग देख रहे हो मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। जैसे कि आपको बता दूं, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपना टैलेंट दिखा के मेहनत से सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें डिमोटिवेट करके उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। एक ऐसे गुंडे की बात करेंगे जिसका नाम है भरत शर्मा, जिसके खिलाफ पहले भी बहुत सारी कंप्लेंट वगैरह हो चुके हैं, लेकिन वो अब भी लोगों को असोल्ट करता है, उन्हें डराता है, धमकाता है। तो ऐसे एक वारदात हमारे साथ मौजूद है सोशल मीडिया के एक ऐसे ही, जिनका नाम है साहिल। तो उनके साथ में क्या हुआ था, आइए जानते हैं साहिल से। साहिल, क्या हुआ था आपके साथ? ये 17 तारीख की बात है। इसके पहले भी जो है मैं शूट के लिए जो है नेरुल जाता था, तो मेरे वहाँ पे 3-4 दोस्त थे नेरुल में जो रहते हैं, जिनका नाम है ऑस्टिन, और मैं और महेंद्र सोनी और जो है सैश, हम लोग जो है प्लान था हम लोगों का कि होली पे एक वीडियो बनाएंगे हम लोग। तो वो वीडियो बनाने के लिए हम लोग गए, तो मुझे ये नहीं पता था कि वहाँ पे भरत शर्मा भी जो है आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग जैसे वहाँ पे पहुँचे तो मुझे पता चला कि ऑस्टिन जो है वो वहाँ पे उसको ऑलरेडी कलर लगा चुका है, फोर्सफुली उसको जो है भरत शर्मा ने कलर लगा चुका था, तो वहाँ से घर पे भाग चुका था ऑस्टिन। और उसके बाद में जो है सैश को फोर्स करने की कोशिश कर रहा था वो टाइम पे कलर लगाने की उसके ऊपर। तो उतने टाइम में मैंने पहुँचा वहाँ पे, और जब मैंने देखा कि सैश वहाँ से भाग रही थी, तो मैं सैश को जो है पिक करने वहाँ पे जब गया, तो फिर उतने में जो है भरत शर्मा गाड़ी लेकर मेरे गाड़ी के सामने आकर मेरे पे फोर्सफुली कलर लगा। तो मैंने उससे कहा कि मैंने न्यू कुर्ता पहना है, मैंने वीडियो शूट का एक कॉन्सेप्ट है वो कर लूंगा, उसके बाद जितना कलर लगाना लगाओ, होली खेलना है खेलेंगे। बट उसने बोला कि नहीं, आज मैं वीडियो बनाने दूंगा नहीं, और शायद से पहले की जलन, पहले की दुश्मनी जो है। एक मिनट, मैं आपको रोकना चाहूंगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि वो इन्हें रंग लगाने की कोशिश कर रहा था, तो आप ये नहीं समझना कि वो हिंदू होके मुसलमान को रंग लगाने की कोशिश कर रहा था। ये जलस थी ताकि वो ये साहिल वहां पे वीडियो शूट ना कर सके, इसलिए। जी, सही कहा आपने। जैसे कि उसका ऐसा कहना था कि तू मेरे एरिया में आके बिना मेरे परमिशन के तू मेरे ही फ्रेंड्स के साथ में वीडियो नहीं बना सकता है, तो उसका ऐसा थिंकिंग था। जस्ट बिकॉज हम लोगों के वीडियोस बहुत ज़्यादा चल रहे थे इंस्टाग्राम पे, रील्स पर, तो उसको थोड़ा सा जेलस फील हुआ, तो इसी कारण उसने जो है मुझ पर फोर्सफुली कलर लगाया। और कलर लगाते लगाते थोड़ा उसके चेहरे पर मुझे गुस्सा दिखा, थोड़ा जलन दिखा, तो उसके बाद जो है उसने उसके राइट हैंड पर कड़ा था, तो वो कड़े से मेरे यहाँ पर पंच मारा है उसने, और वही जो कलर था, केमिकल का कलर था, वो सारे मेरे आँख में डाल दिया, मुझे वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। एंड देन उसने मेरा सा हेयर पकड़ के मुझे गोल घुमा के मेरे यहाँ पे सारे हेयर फॉल्स हो चुके हैं, यहाँ पे पूरे हेयर जो है चले गए। तो उसने ऐसा करके मुझे धक्का दे दिया, और मैं वहाँ पे समथिंग 1 या 2 मिनट के लिए बेहोश हो गया था। तो जो मेरा दोस्त था वहाँ पे महेंद्र सोनी, तो उसने वो टाइम पे तुरंत जो है कॉल करके सबको बुलाकर मुझे हॉस्पिटल लेके गया, और उसके बाद हम लोग फिर पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पर पुलिस स्टेशन में क्या बात हुई? पुलिस स्टेशन में ऐसा हुआ कि जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए, तो हम लोगों को लगा कि हम लोगों का जो केस है वो स्ट्रांग है, क्योंकि हमारे पास जो है लड़कियों पे भी जो है इसने फोर्स किया, और मुझ पर भी जो है फोर्सफुली लगाया, और मुझे इतना मारा था। तो पुलिस स्टेशन पे भी देखा, और वहाँ पे बोला कि नॉर्मल चोट है, और हम लोग को ऐसा लगा कि यार नॉर्मल चोट और ज़्यादा चोट में क्या फ़र्क होता है, तो ऐसा वो लोगों ने कहा। और वो लोग ये किसने कहा नॉर्मल चोट है? तो वो वहाँ के जो है वहाँ पे जो मतलब नॉर्मल जो हवलदार लोग थे, तो वो लोग बोले नॉर्मल चोट है, इसके लिए नॉर्मल एनसी होगी। और तो उन्होंने ये भी बोला था कि होली का दिन है, कलर तो वो लगाएंगे। तो मैंने हाँ। वहाँ पे बोला था कि अगर एक लड़की मना कर रही है कलर लगाने के लिए, तो आप होली का नाम लेके आप रंग नहीं लगा सकते हो, आप फोर्सफुली चढ़ चढ़ के नहीं आ सकते हो, ये गलत है। तो मतलब होली तो सिर्फ एक बहाना था आप लोगों को, मतलब जो ठसन थी पूरी जूनी पुरानी। तो मैंने पहले भी वो हम दोनों को धमकी दे चुका था कि मैं बोल के नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, अगर तुम लोग साथ में आओगे, साथ में वीडियोस बनाओगे। तो ये बात हम लोगों ने स्क्रीनशॉट भी अपने सोशल मीडिया वीडियो पे हम लोगों ने अटैच किया था, जहाँ 2 महीने पहले वो धमकी दे चुका था हम लोगों को। उसमें क्लियरली मेंशनड है कि मैं बोल के नहीं, करके दिखा दूंगा, मैं तेरे को भरूंगा, मैं तेरे को मारूंगा। लेकिन जहाँ देखे जाए जो भरत शर्मा, उस पर पहले के भी काफ़ी केसेस है। जी 2019 पे उस पर एक केस जो है फाइल हुई थी हाफ मर्डर की, तो वो केस जो है अभी भी चली रही थी उस पर। तो जब हम लोग पुलिस स्टेशन गए, तो जब हम लोगों ने उन्हें बताया सीनियर्स को, तो उन्होंने जो है कंप्यूटर्स में चेक किया, तो उन्होंने सामने से मुझे बताया कि जी हाँ 2019 में भरत शर्मा पे जो है कि केस जो है फाइल हुई है हाफ मर्डर की, उसके डैडी के ऊपर। और उन लोगों ने उसको पहचान लिया था, उन लोगों ने खुद से ही हमें बोला कि टिकटॉक वाला लड़का जिसके टैटूज है वही है ना। हम लोगों ने बोला जी वो वही है, तो वो लोग भी उसे जानते हैं कि ये मतलब ऐसा ही करता, फिर भी उसके खिलाफ केस उन लोगों ने स्ट्रॉन्ग नहीं लिया। नहीं, वो लोग थ्रू आउट हम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि एनसी करो, एनसी करो, एनसी से सांप मर जाएगा, लाठी भी मतलब टूट जाएगी, हाँ, ये सब एग्जांपल डालने की कोशिश कर रहे थे वो लोग। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब मैं इसको वहां पे मिली थी, तो ये बहुत ज्यादा पैनिक अटैक आ गया था इसको, और इसको देख के मेरी भी हालत खराब हो गई थी, पर मैं कैसे भी इसको हॉस्पिटल लेके भागी। जैसे इसको थोड़ा नॉर्मल हम लोगों ने इंजेक्शन दिया, इसके आई ड्रॉप डाला, फिर मैं इसको पुलिस स्टेशन लेके गई। जब मैंने इसको पूछा कि तुझे क्या करना है, ही इज लाइक कि
ऑब्वियसली मुझे लीगल वे से जाना है, मुझे इलीगल वे कुछ नहीं करना है। तो जैसे मैं इसको पुलिस स्टेशन लेके गई तो उन लोगों ने यही बोला कि होली है, रंग तो लगाएंगे। पर जब मैंने पूरा इंसिडेंट बताया कि मेरे साथ भी ये हुआ है, इसके साथ भी ऐसा हुआ है, तो उन लोगों ने हम लोग को हॉस्पिटल भेजा। पर हम लोग जब नेहरू हॉस्पिटल गए तो उन लोगों ने बोला हमारे पास तो डॉक्टर्स ही नहीं है, आपको वाशी जाना पड़ेगा। तो करीबन हम लोग 4:30-5 बजे वाशी भागे, वाशी से हम लोग 9:30 बजे निकल के हम लोग पुलिस स्टेशन में आए। तो हम लोग 11 बजे तो पुलिस स्टेशन से निकले। तो उन्होंने वो टाइम पे रिपोर्ट नहीं लिया, बोला हम लोग की जो है ड्यूटी ऑफ हो चुकी है, तो एक काम करो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आओ। तो रात के 10 बजे तक वो लोग सिर्फ एनसी पे ही टिके हुए थे। तो जब हम लोग ने एक दो सीनियर से बात किया, जब एक कॉन्टैक्ट हम लोग ने लगाया, तो फिर बाद में जाकर वो लोगों ने माना कि हाँ ठीक है अभी जो है FIR लेंगे, बट कल लेंगे क्योंकि अभी ड्यूटी जो है ऑफ हो चुकी है। तो फिर ये सुनने के बावजूद भी कि उन्होंने एक लेडीज के साथ में अब्यूज किया उन्हें, जी एक्चुअली इनका जो है केस ही नहीं फाइल लिया है, सिर्फ जो है इनका केस उन्होंने लिया ही नहीं लिया है एक्चुअली, सिर्फ उन्होंने आपने बताया था उनको बिल्कुल जी, मैंने पूरा बताया था। और इनफैक्ट जब मैं पुलिस के सामने बैठ के ये सब इंसिडेंट बता रही थी ना, तब भी भरत शर्मा को कॉल आ रहा था मेरे फोन पे भी और साहिल के फोन पे भी, और उन लोगों ने यही बोला था कि अब क्या बोलने के लिए वो कॉल कर रहा है। तो हम लोगों ने बोला क्योंकि हमको धमकियां आ रही है मैसेज पे भी और इस पे भी कि तुम लोग कंप्लेन मत करो, ये तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग को मैं मारूंगा, ये करूंगा, एनसी दोगे तो मैं 1200 रुपया देके जाऊंगा, मैं तुम लोग को फिर देखूंगा। उनके सामने कॉल आने के बावजूद भी उन लोगों ने मेरा केस नहीं लिया। बट अभी जो है FIR जो है वो लोगों ने जो है उसके ऊपर केस फाइल किया हुआ है सेक्शन 324 और 504-506 पे। तो बट अभी भी हम लोगों को लग रहा है कि अभी भी हम लोग सेफ नहीं है, जस्ट बिकॉज अभी भी हम लोगों को कॉल्स आ रहे हैं और वार्निंग दिया जा रही है कि अभी भी केस जो है वापस ले लो उनके। इवन उसके मम्मी और पापा ने भी हम लोगों को बहुत रिक्वेस्ट किया, बोला कि ऐसा ऐसा करो अदरवाइज हम लोग आपके ऊपर। और पहले के सामने को यही बोल रही पहले की इतनी अच्छी पैसे बच्चे क्यों भरत शर्मा के साथ तेरा रिश्ता कराने जाता था। और मैंने अंकल को यही जवाब दिया था पुलिस वाले के सामने भी कि मुझे आपके नशेड़ी बेटे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊंगी बट मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी। तो अभी आपके प्रशासन से क्या मांगे? कि ऑब्वियसली हम लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए क्योंकि अभी भी हमें धमकियां, अभी भी वो सोशल मीडिया जो है उसका एक्टिव है, अभी भी वो जो है स्टोरी डाल रहा है, घूम रहा है बाहर, और अरेस्ट नहीं किया अभी तक उसको, अभी तक नहीं किया है। और इस वारदात को 3 दिन हो गए हैं बट अभी भी वो खुलेआम घूम रहा है सोशल मीडिया पे, अभी भी 2 घंटे पहले उसने स्टोरी डाली है। तो अभी भी वो मतलब हमारे खिलाफ हेट फैलाने की ही कोशिश कर रहा है और हम लोग को क्रिमिनल टर्म है। से बात करें तो ये ठीक नहीं है, तो मुद्दे में पुलिस कर रही होता है क्योंकि जहाँ तक महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करें तो कानून बड़े बड़े वादे करता है, लेकिन आज ये मामला सामने है महिलाओं को, उन्होंने 20 सड़क पे अब्यूज़ किया लेकिन उनकी कंप्लेंट तक दर्ज नहीं हुई। तो ऐसी और अपडेट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़।